Today we will talk about DMIT software, कि DMIT software होता क्या है, DMIT software और DMIT franchise में क्या difference है, how many types of DMIT software are there, as an individual किस company से DMIT software लेना चाहिए, क्या आपको वो factors consider करने हैं while purchasing the DMIT software, and ultimately DMIT software as a business आप किस तरह से run कर सकते हैं, क्या benefit हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएमआईटी सॉफ्टवेयर एंड डीएमआईटी फ्रेंचाइजी। देखिए डीएमआईटी फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी वर्ड का जो बेसिक मीनिंग है कि आपने किसी इंडिविजुअल किसी कंपनी से उसके ब्रांड को यूज करने के राइट्स लिए हैं और अकॉर्डिंगली आप उसको पर केस बेसिस पर या फिर अगर डीएमआईटी की बात करें तो पर रिपोर्ट बेसिस पर उसको पे कर रहे हैं रॉयल्टी इनकम के रूप में और इनिशियली आपने कुछ फ्रेंचाइजी फी पे की है। जहां तक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, अगर आपके पास डीएमआईटी सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डीएमआईटी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है, इसका एक्चुअल मीनिंग शुड बी कि यू हैव डीएमआईटी रिपोर्ट जनरेशन राइट्स, जिससे आप अनलिमिटेड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं डीएमआईटी की विदाउट पेइंग एनी रॉयल्टी एनी पर रिपोर्ट कॉस्ट टू दी फ्रेंचाइजी ओनर या फिर डीएमआईटी सॉफ्टवेयर के ओनर। अब हम बात करेंगे कि डीएमआईटी सॉफ्टवेयर और डीएमआईटी फ्रेंचाइजी में जैसे डिफरेंस बताया तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए। डीएमआईटी सॉफ्टवेयर के अपने बेनिफिट्स हैं, डीएमआईटी फ्रेंचाइजी के अपने बेनिफिट्स हैं। देखिए जब आप किसी कंपनी के साथ अटैच्ड हैं, उसको रेगुलर रॉयल्टी इनकम दे रहे हैं, उसको रेगुलर आप पे आउट कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रेगुलर आपको सपोर्ट देगा। जबकि सॉफ्टवेयर आपने ले लिया वो वन टाइम है, उसके बाद आपका ब्रांड है, जितना मर्जी कोई क्लेम करता रहे कि मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दूंगा, लाइफ टाइम सपोर्ट किस तरह से देंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, हैंड होल्डिंग किस बेसिस पर देंगे, कितना टाइम आपको एलोकेट कर पाएंगे आने वाले सालों की अगर बात करें, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो हम, अगर मैं माइंड्रूम की बात करूं तो जिनको हम फ्रेंचाइजी देते हैं उनके साथ हम रिपोर्ट तो शेयर करते ही हैं, प्लस उनको इंडिविजुअली हर रिपोर्ट के साथ हैंड होल्डिंग इस रूप में देते हैं कि हम उनको एक्सप्लेन भी करते हैं कि इस रिपोर्ट की जो काउंसलिंग करनी है वो काउंसलिंग कैसे करनी है, इस रिपोर्ट में क्या यूनिक है। हर एक रिपोर्ट के लिए हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यूज करते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो तो आप जब हमें पर रिपोर्ट पे नहीं कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हर रिपोर्ट की डिस्कशन हमारे से करोगे। अब अगर बात करें कि डीएमआईटी सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वन इज डीएमआईटी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जिसमें सिर्फ स्कैनिंग होती है, वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी हो सकती है, लैपटॉप के थ्रू भी हो सकती है या मैनुअली भी बिना स्कैनर के भी आप स्कैन कर सकते हैं। बट उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है रिपोर्ट जनरेशन। अब रिपोर्ट जनरेशन सिस्टम्स बहुत तरह के पॉसिबल हैं। कुछ लोग 8 फिंगरप्रिंट पैटर्न बेस्ड रिपोर्ट जनरेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, कुछ 21 फिंगरप्रिंट पैटर्न बेस्ड यूज कर रहे हैं, कुछ 50 फिंगरप्रिंट पैटर्न बेस्ड यूज कर रहे हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जितने ज्यादा फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होते हैं उतनी ज्यादा रिपोर्ट में एक्यूरेसी आती है। और सिर्फ पैटर्न्स की बात नहीं है, अल्टीमेटली आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा है, फ्रंट एंड डिजाइन कैसा है वो एक पार्ट है, पर उसका एल्गोरिदम कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एल्गोरिदम के बेसिस पर ही आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट की एक्यूरेसी डिफाइन होगी कि कितने परसेंट एक्यूरेसी आ रही है। और ये एक्यूरेसी आपको फ्रंट एंड रिपोर्ट का फॉर्मेट देखकर पता नहीं चल सकता, उसका फेस कुछ भी हो, पर बैक एंड पे क्या उसकी कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि आपने अगर ये बिजनेस करना है तो आप सबसे पहले अपना डीएमआईटी टेस्ट करवाइए, काउंसलिंग को एक्सपीरियंस कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या इसकी एक्यूरेसी आपके साथ एज एन इंडिविजुअल, आप खुद को तो अच्छे से जानते हैं, क्या उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो मैच कर रही है उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट्स की जो रिपोर्ट्स आएंगी उनकी भी एक्यूरेसी उस लेवल पर आएगी। तो इसीलिए डीएमआईटी सॉफ्टवेयर लेने से पहले
सिर्फ फ्रंट एंड के पीछे ना जाइए, नंबर ऑफ पेजेस के पीछे ना जाइए, हमारे पास आएंगे हम कितने भी पेजेस डिजाइन कर देंगे। आप कहेंगे 10 पेज की रिपोर्ट चाहिए, 10 पेज की रिपोर्ट मिल जाएगी, 20, 40, 50, 100, जिस तरह की रिपोर्ट चाहेंगे, जिस फॉर्मेट में चाहेंगे, जिस फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। कॉर्पोरेट्स के लिए चाहिए तो डिफरेंट वर्जन, स्टूडेंट्स के लिए चाहिए तो डिफरेंट वर्जन, इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट वर्जन, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के लिए डिफरेंट वर्जन, ये सारे ही फॉर्मेट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हर कंपनी अपनी बना सकती है, कोई फिक्स नहीं होता। हर कंपनी अपना पैकेज सेल करने के लिए कुछ भी उसमें फीचर्स डाल सकती है। आपने ये डिसाइड करना है कि आपका टारगेट मार्केट सेगमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्रोडक्ट लेना है। हम आपको कस्टमाइज करके वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब सिर्फ लोगो चेंज करना नहीं होता, हम कस्टमाइजेशन की जो बात करते हैं उसमें आपके एक एक पेज का डिजाइन, उसके कलर्स, उसकी इमेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, बैकएंड से न्यू इंट्रोड्यूस करनी है फंक्शनैलिटी। आपके माइंड में आया कि मेरे को क्वेश्चंस में सिर्फ आईक्यू ईक्यू सीक्यू एक्यू नहीं चाहिए, मुझे इसमें 13 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, हम वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको अगर माइंड में आता है कि इस रिपोर्ट में मुझे ये पर्टिकुलर गार्डनर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये जो इंटेलिजेंसेस हैं इसमें एट मल्टीपल इंटेलिजेंस है, नहीं मुझे 9th इंटेलिजेंस जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है वो भी इंट्रोड्यूस करनी है, उसके बारे में भी डॉक्टर गार्डनर ने कहा है, हम वो भी उसके साथ भी आपको सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी सारी एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं फिर भी कहूंगा इन सब चीजों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रिपोर्ट एक्यूरेसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा जाता है कि डिफरेंट रिपोर्ट से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से अगर हम बात करें तो क्या एक्यूरेसी लेवल वेरी करता है। डेफिनेटली एक्यूरेसी वेरी करती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर की। जैसे मैंने मेंशन किया, सॉफ्टवेयर में पैटर्न टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, एल्गोरिदम डिफरेंट हो सकते हैं, और ये जो डीएमआईटी रिपोर्ट हम बनाते हैं उसमें एनालिसिस जो है वो मैनुअली किया जाता है, और जहां मैनुअल इंटरवेंशन आ जाती है वहां पर जो इंडिविजुअल उसका एनालिसिस कर रहा है उसका एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। इवन सेम सॉफ्टवेयर से भी अगर डिफरेंट पर्सन रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं वो भी रिपोर्ट वेरी कर सकती है, अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि रिपोर्ट जनरेट करनी कैसे है, किस तरह से उन फिंगरप्रिंट पैटर्न्स को मैन्युअली एनालाइज करना है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसको ऑटोमेटिक नहीं किया जा सकता। वी इवन ट्राइड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी उस लेवल की एक्यूरेसी नहीं आ पा रही जो आप मैनुअली एक्यूरेसी ला सकते हैं। इसीलिए वी रिकमेंड कि ना कि आप लेजर लाइट प्रिंसिपल से रिजल्ट को काउंट करने की कोशिश करें, ना ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। इसमें जो मैनुअल इंटरवेंशन इन्वॉल्व है उसको उस वे में ही यूटिलाइज करते हुए प्रॉपर एक्यूरेट रिपोर्ट दें। ये मत भूलें कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है वो किसी ट्रस्ट से आपके ऊपर विश्वास कर आपसे डीएमआईटी टेस्ट करवाने आ रहा है, और उसके लिए लाइफ का सवाल है। आप करियर के लिए गाइडेंस देंगे, उसने उस बेसिस पे वो डिसीजन लेना है, उसके लिए आपकी ड्यू डिलीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डीएमआईटी सॉफ्टवेयर का प्राइस कितना है। अक्सर क्लाइंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये कहीं कहीं 5,000 में भी मिल रहा है, 10,000 में भी मिल रहा है, कोई 25, कोई 50, कोई 1,00,000 तक भी बेच रहा है, तो डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डीएमआईटी सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ सर्विस। और जहां हम सर्विस की बात करते हैं तो कौन सर्विस दे रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंडिविजुअल या फिर कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है और आपको डिलीवरेबल्स कितने दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है उसका तो हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर फ्लिपकार्ट पर एक्स प्राइस में मिल रहा है, अमेज़न पर वाई पर मिल रहा है, तो मैं कहूंगा जहां सस्ता मिल रहा है वहां से ले लीजिए। लेकिन जहां सर्विस की बात आती है तो एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस इंडिविजुअल के साथ अटैच हो रहे हैं, क्या डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं, एक्यूरेसी मिल रही है या नहीं मिल रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या जो कंपनी आपको सेल कर रही है वो खुद इसको यूज भी कर रही है या सिर्फ डीएमआईटी सॉफ्टवेयर ही बेच रही है, क्या वो रिटेल में बी टू सी में काम कर रहे हैं या सिर्फ बी टू बी में ही कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इसको हम बी टू सी में यूज नहीं करते, काउंसलिंग पर्पस से यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट उनको खुद को भी नहीं पता लग सकता, एक्यूरेसी लेवल खुद भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसीलिए एक्सपीरियंस को यूज करना है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली इसको बी टू सी में यूज करना है। तो उस कंपनी के साथ अटैच हो जाइए, तो उस कंपनी से सॉफ्टवेयर लीजिए जो खुद इसको बी टू सी में यूज कर रही है। और अगर आपके लिए सिर्फ प्राइसिंग मैटर करती है तो मैं कहूंगा 5,000 भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पर सीडी सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगी और उसमें डीएमआईटी सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको 50-50, 80-80 सॉफ्टवेयर फ्री में मिलेंगे।
वहां सर वो फोल्डर कॉपी कीजिए और अपने डेस्कटॉप पे डाल दीजिए। लेकिन अगर बिजनेस करना है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बिजनेस ऐसे नहीं होता, सॉफ्टवेयर आपको बिजनेस नहीं सिखाएगा, एक्सपीरियंस आपको बिजनेस सिखाएगा। नाउ लेट अस टॉक व्हाई माइंडग्रूम इज बेस्ट फॉर डीएमआईटी सॉफ्टवेयर। देखिए जब आप माइंडग्रूम से डीएमआईटी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। जहां मैं एंड टू एंड सपोर्ट की बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज जो कोर है, डीएमआईटी सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी आपको मिलती है। Mindgroom एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंडिया में डीएमआईटी बेस्ड करियर काउंसलिंग आपको प्रोवाइड कर रही है और आपको सॉफ्टवेयर भी दे रही है, फ्रेंचाइजी भी दे रही है। तो हमारे साथ अगर आप एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर अटैच होते हैं, हम आपको जहां ट्रेनिंग देते हैं काउंसलिंग की, टेक्निकल पार्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग की। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि हमारे पास मोर देन 100 ऐसे वर्किंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने Mindgroom के साथ अटैच होकर अपनी सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं ली पर आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं। और ये बिजनेस कैसे रन होता है उसके लिए हम हैंड होल्डिंग प्रॉपर देते हैं, जिसमें आपको चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स चाहिए हो, चाहे आपको वेबसाइट चाहिए हो, और यहां तक ही नहीं आपको बिजनेस की आपके सिटी में लीड जनरेट करके देते हैं, जिसके थ्रू आप काउंसलिंग अपने सिटी में फेस टू फेस करेंगे और हमारे काउंसलर्स के साथ डिस्कस करके उन रिपोर्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे ताकि स्लोली आप इंडिपेंडेंटली एक काउंसलर बन सके। तो अगर आप भी डीएमआईटी बिजनेस रन करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए कि किस तरह से Mindgroom आपकी हेल्प कर सकता है इंडिपेंडेंट बिजनेस एस्टैब्लिश करने में और उसको ग्रो करने में।